आज के हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में त्रिविम समाय होता, ठीक है ना। तो स्टीरियो आइसोमर्स दो टाइप के होते हैं, और पहला टाइप जो होता है उसे हम कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन आइसोमेरिज्म, कॉन्फ़िगरेशन आइसोमेरिज्म, और दूसरे का कहते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। तो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि ये सिग्मा बॉन्ड के रोटेशन से बनती है, और मोस्टली हम इसको पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है ना। कॉन्फ़िगरेशन आइसोमेरिज्म भी दो टाइप की होती है, और फर्स्ट टाइप होता है ऑप्टिकल, और दूसरा टाइप होता है, दूसरे टाइप को हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल, ठीक है ना। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स बनाने के लिए पहले हम बॉन्ड को तोड़ते हैं और फिर से नया बॉन्ड रीमेक करते हैं, जबकि कन्फर्मेशनल आइसोमर्स बनाने के लिए हम सिग्मा बॉन्ड को रोटेट करते हैं, ओके। तो हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, और हम इसमें सबसे पहले डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब होता है कि उसमें नंबर ऑफ लिगेंड 6 है, ठीक है ना। नंबर ऑफ लिगेंड 6 है तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो हो जाएगी sp3d2 या d2sp3, और d2sp3 स्ट्रक्चर का हाइब्रिडाइजेशन की शेप जो होती है वो ऑक्टाहेड्रल होती है। ऑक्टाहेड्रल में इस वाली पोजीशन को हम 1 कहते हैं, ठीक है ना। ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और 6, ठीक है ना। तो 6 लिगेंड अटैच होंगे और सारे लिगेंड की लेंथ इक्वलाइज होती है, ये केमिकल बॉन्ड का आया हुआ क्वेश्चन। अब कैसे देखेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, तो बच्चों सबसे पहले ढक्कन तरीका नोट करो, अगर सारे लिगेंड एक जैसे हैं 6 के 6 तो पॉसिबल नहीं है ज्योमेट्रिकल आइसोमर, अगर 5 एक जैसे हैं तब भी पॉसिबल नहीं है। अब ये थोड़ा सा टिपिकल, अगर कोई बाइडेंटेड लिगेंड सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल का मतलब होता है दोनों डोनर एटम सेम है, मतलब AA, तब भी नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो इन 3 केसेस में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में कभी भी हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो हम देखते हैं इन एग्जाम्पल को। तो हमने देखा कोबाल्ट F6 में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगी क्योंकि 6 फ्लोरीन सिमिलर। FeH2O5CN में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगी क्योंकि 5H2O एक जैसे, ठीक है ना। लेकिन ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म दिखा सकता है, कौन सी, लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज क्यों दिखाएगा, क्योंकि इसमें एम्बिडेंट लिगेंड प्रेजेंट है, तो जिसमें भी एम्बिडेंट लिगेंड प्रेजेंट होगा वो लिंकेज आइसोमेरिज्म दिखाएगा। और ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखा सकता, क्यों नहीं दिखा सकता, इसमें इथाइलिन डायमीन या EN लिगेंड है जो सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल का मतलब होता है EN के दोनों डोनर एटम नाइट्रोजन होते हैं, इसलिए ये नहीं दिखाएगा। इसके अलावा, इन तीनों के अलावा अगर कोई भी कॉन्फिगरेशन आया तो होगी। अब कैसे देखेंगे सिस ट्रांस, सिस ट्रांस देखने के लिए हम क्या करते हैं, सिस ट्रांस देखने के लिए क्या करते हैं, अगर इस 1 पे और 6 पे ग्रुप सेम हुए तो ट्रांस, या 2 और 4 पर सेम हुए तो भी ट्रांस, और या 5 और 3 पर सेम हुए, ठीक है ना, तो भी ट्रांस। पर मैं इसको दूसरी तरीके से देखता हूं, मैं देखता हूं कि अगर दो ग्रुपों में 180 डिग्री का एंगल होगा तो वो ट्रांस होंगे, और 180 डिग्री का एंगल नहीं हुआ तो फिर वो सिस होंगे, ठीक है। तो मुझे 180 से देखना अच्छा लगता, आप चाहो तो किससे देख सकते हो, 1-2 से करके। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर ग्रुप की नंबर सेम नहीं है तो वो डिसाइड करेगा आइसोमर जो नंबर में कम होगा। एग्जाम्पल में ये Cl2 है और अमोनिया 4 है, तो इन दोनों में से कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स डिसाइड करेगा, तो इसमें आइसोमर डिसाइड करेगा क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन की नंबर अमोनिया की नंबर से कम है, ठीक है ना। तो हम चलते हैं
इनके आइसोमर्स देखने। तो हम देखते हैं एम ए फोर बी टू ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा, और बच्चों क्यों दिखाएगा, क्योंकि ना तो 6 एक जैसे हैं और ना ही 5 एक जैसे हैं और ना ही कोई बाइडेंटेड लिगेंड है। तो हमने इस एग्जाम्पल में देखा कोबाल्ट के साथ 4 अमोनिया और 2 क्लोरीन अटैच है। अब हमें इसका बनाना है सिस ट्रांस आइसोमर। सिस ट्रांस आइसोमर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अब क्लोरीन कम है तो क्लोरीन डिसाइड करेगा। तो हमने क्या किया, क्लोरीन को 180 डिग्री के एंगल पर रख दिया। हम चाहते तो यहां और यहां भी रख सकते हैं और चाहें तो यहां भी। तो अब ये कौन सा आइसोमर हो गया, ट्रांस। अब हमें बनाना है सिस। तो सिस बनाने के लिए हमने क्या किया, सिस बनाने के लिए हमने 2 सीएल को 180 पे नहीं रखा, ठीक है ना। आप चाहो तो सीएल को यहां पर और इस जगह पर भी रख सकते हो, ठीक है ना, या फिर कहीं भी एडजेसेंट 2 जगह पर रख सकते हो। तो अब ये कौन सा आइसोमर हो गया, सिस। अब हम चलते हैं एम ए थ्री बी थ्री पर। एम ए थ्री बी थ्री भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा, क्योंकि ना तो 6 सिमिलर हैं, ना 5 सिमिलर हैं और ना कोई बाइडेंटेड 3 बार। इसमें अमोनिया 3 बार है और क्लोरीन भी 3 बार है। तो हम चलते हैं इसके आइसोमर्स देखने। हमने इसके आइसोमर्स को चेक किया, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, फेशियल और मेरिडियन या मेरिडायोनल आइसोमर्स बनते हैं। तो फेशियल आइसोमर्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे आसान तरीका कि किसी भी 3 ग्रुप को एक लाइन से लगा दो, तो 1 सीएल 2 सीएल और 3 सीएल, ठीक है। अब टेक्निकल तरीका क्या है कि फेशियल में कोई भी 3 ग्रुप एक प्लेन में नहीं होने चाहिए। तो हमने देखा ये क्लोरीन और ये क्लोरीन तो एक प्लेन में है, लेकिन ये वाला क्लोरीन दूसरे प्लेन में। ऐसे ही ये अमोनिया और ये अमोनिया एक प्लेन में है, लेकिन एक अमोनिया आप देख सकते हैं कौन सा वाला, ये वाला अमोनिया दूसरे प्लेन। तो बच्चों फेशियल आइसोमर्स में क्या ध्यान रखेंगे, कोई भी ग्रुप एक प्लेन में नहीं होने चाहिए। अब हमने इसको देखा तो आप देख सकते हैं ये अमोनिया, ठीक है ना, ये अमोनिया और ये अमोनिया, ये सारे ही अमोनिया एक प्लेन में है, इसलिए हम इसको कहेंगे मेरिडायोनल आइसोमर। तो मेरिडायोनल आइसोमर्स के लिए 3 ग्रुप एक प्लेन में होने चाहिए, या सिंपल सी बात कि कोई भी 3 ग्रुप लाइन से नहीं होने चाहिए, 1 सीएल 2 सीएल और फिर नहीं, ठीक है। हम चलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के नेक्स्ट एग्जांपल के। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का नेक्स्ट एग्जांपल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो है एम ए ए टू और बी टू टाइप का। यहाँ पर जो ए ए है इसका मतलब होता है बाइडेंटेड, अगर ए ए ए लिखा होता तो ट्राइडेंटेड। तो हम देखते हैं इसमें, तो हमने देखा कोबाल्ट से 2 एन जुड़े हैं जो बाइडेंटेड लिगेंड हैं और 2 क्लोरीन जुड़े हैं जो मोनोडेंटेड लिगेंड हैं। तो क्या ये ज्योमेट्रिकल दिखाएगा, हाँ, क्योंकि ना तो 6 ग्रुप सिमिलर हैं, ना ही 5 ग्रुप सिमिलर हैं और ना ही कोई बाइडेंटेड लिगेंड 3 बार प्रेजेंट। अब हमने इसका बनाया सिस आइसोमर्स। तो सिस आइसोमर्स बनाने के लिए हमने 2 क्लोरीन को एडजेसेंट रख दिया, जिससे 180 डिग्री का एंगल नहीं बने, और EN को 2 जगह अटैच कर दिया, ठीक है ना। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात और आई, क्योंकि इस स्ट्रक्चर की आप देख सकते हैं मिरर इमेज भी बन जाएगी। इस स्ट्रक्चर की मिरर इमेज भी पॉसिबल है, क्योंकि मिरर इमेज पॉसिबल है इसलिए इसकी सिस फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव भी होगी। अब हम चलते हैं ट्रांस बनाने के लिए। ट्रांस बनाने के लिए हमने 2 सीएल में 180 डिग्री का एंगल बना दिया, या दोनों को अपोजिट एंड पर रख दिया, ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं, अगर हम इसको मिरर में देखेंगे, अगर हम यह मिरर लगा दें तो आप देख सकते हैं कि इसमें मिरर इमेज पॉसिबल नहीं है, क्यों, आइडेंटिकल इमेज बनेगी। तो ट्रांस आइसोमर ऑप्टिकली एक्टिविटी नहीं दिखाएगा, जबकि सिस ऑप्टिकली एक्टिव दिखाएगा। तो कोबाल्ट एन ट्वाइस सीएल टू के टोटल आइसोमर्स बच्चों कितने हो जाएंगे,
तीन, कुछ बच्चे कहते हैं चार, तो कैसे तीन होंगे मैं आपको समझाता हूँ। इसका एक ट्रांस और एक सिस, क्योंकि सिस आगे जाकर डी और एल में कन्वर्ट हो रहा है, तो एक हो जाएगा सिस डीएल और एक हो जाएगा सिस एल, इसलिए इसके तीन ही टोटल स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल है। ठीक है, अब कोबाल्ट ऑक्सलेट नहीं दिखाएगा क्योंकि बाइडेंटेड लिगेंड है ऑक्सलेट, और ऑक्सलेट में डोनर एटम सेम है। ऐसे ही कोबाल्ट ईएन में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं पॉसिबल है क्योंकि ईएन में डोनर एटम सिमिलर है, लेकिन अगर ईएन की जगह ग्लाइसिनेट होता तो फिर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखा सकता था। अब हम चलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में देखने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होती है क्योंकि इसकी सारी ही स्ट्रक्चर सिस बनती। अब पहले की तरह अगर चार लिगेंड एक जैसे हुए तो नहीं दिखाएगा, तीन एक जैसे हुए तो नहीं दिखाएगा, ठीक है ना। अब इंपॉर्टेंट बात कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में सिर्फ स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में ही पॉसिबल है, और बच्चों स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती है DSP2, और स्क्वायर प्लेनर की ज्योमेट्री ऐसी होती है। तो हमने देखना शुरू किया MA2B2 दिखाएगा, यस क्यों दिखाएगा, क्योंकि ना तो चार एक जैसे हैं, ना ही तीन एक जैसे हैं, और ना ही इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। MA2BC दिखाएगा, यस क्योंकि चार और तीन एक जैसे नहीं है। अब हमने इसका इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लिया PtNH3 2 Cl2, तो हमें कौन सा बनाना है बच्चों, हम बनाते हैं पहले सिस। सिस बनाने के लिए हमने दो क्लोरीन को एडजेसेंट कहीं भी रख दिया, इस क्लोरीन को आप यहाँ भी और यहाँ कहीं भी रख सकते, सिर्फ यहाँ नहीं रख सकते क्योंकि जैसे ही आप क्लोरीन को अपोजिट रखेंगे तो आप देख सकते हैं ट्रांस आइसोमर बन जाएगा। तो ट्रांस आइसोमर बनाने के लिए बच्चों हमने क्या क्या, ट्रांस आइसोमर बनाने के लिए हमने दो Cl को 180 डिग्री एंगल पे रख दिया, और सिस आइसोमर्स बनाने के लिए दोनों में 180 नहीं होना चाहिए। इसके लिए इंपॉर्टेंट बात, इसका नाम सिस प्लेटिन है और इसका नाम ट्रांस प्लेटिन है। तो जो सिस प्लेटिन है वो एंटी ट्यूमर ड्रग्स की तरह काम करता है, और ये एक बार नीट में आ भी चुका है कि सिस एंटी ट्यूमर ड्रग्स की स्ट्रक्चर बताओ और विद कॉन्फिगरेशन। तो सिस को हमने देखा और डिसाइड कर लिया कि ये होगा। हम देखते हैं MA, MABCD क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा, यस ठीक है ना, क्योंकि चार एक जैसे नहीं है, तीन एक जैसे नहीं है। तो हमने देखा इसमें चारों के चारों लिगेंड अलग अलग है, ये NCERT का क्वेश्चन भी है, आई थिंक 13 नंबर का क्वेश्चन। तो अब इसके तीन आइसोमर्स बनाएंगे ऐसे, ठीक है ना, तीन आइसोमर्स बनाएंगे। तो तीन आइसोमर्स बनाने के लिए हम चलते हैं इसके डायग्राम की तरफ। तो हम बनाते हैं इसके तीन आइसोमर्स, और थ्री आइसोमर्स बनाने के लिए हमने क्या किया, एक NO2 को आप किसी भी ग्रुप को सेलेक्ट कर सकते हैं, मुझे NO2 अच्छा लगता है तो मैंने NO2 को तीनों ही कॉम्प्लेक्स में एक जगह फिट कर दिया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया कि एक ग्रुप को, कौन से ग्रुप को, Cl को लिया और यहां फिट कर दिया। देखो, और फिर मैंने क्या किया, आयोडीन को यहां फिट कर दिया, और फिर ब्रोमीन को यहां फिट कर दिया, ठीक है। तो मैंने ब्रोमीन को यहां पर फिट किया तो Br बन गया, और यहां पे किसको फिट किया, आयोडीन को, तो देखो फर्स्ट आइसोमर्स बन गए, ठीक है। अब सेकंड आइसोमर्स बनाने के लिए क्या करेंगे, NO2 को तो फिक्स रखेंगे, ठीक है, और इन Cl, Br और I को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ठीक है ना। तो Cl को हमने यहां से घुमाया और यहां ले आए तो ये आ गया, ठीक है। अब Br यहां से कहां चला जाएगा, Br इसके यहां आ जाएगा, और आयोडीन कहां चला जाएगा, यहां से यहां चला जाएगा। अब तीसरा आइसोमर्स बनाने के लिए क्या करेंगे,
तीसरा आइसोमर बनाने के लिए इस आयोडीन को यहां ले आएंगे, इस क्लोरीन को कहां ले जाएंगे, यहां ले आएंगे, और इस ब्रोमीन को कहां ले जाएंगे, यहां ले आएंगे। तो कुल मिलाकर तीन आइसोमर्स बन गए जिसमें से दो ट्रांस है और एक सिस है। ये क्वेश्चन नीट या जेई एडवांस या जेई मेंस 2020 में आ सकता है। तो बच्चों याद रखना, तीन आइसोमर्स बनेंगे और इन तीन आइसोमर्स में से, ठीक है ना, तीन आइसोमर्स में से दो सिस और एक ट्रांस होगा। जिस सिस और ट्रांस देखने के लिए हमें आरएस नोमेनक्लेचर पढ़ना पड़ेगा जो इस समय स्कोप के बाहर है। तो मैं आपको सेपरेट वीडियो में आरएस नोमेनक्लेचर कुछ टाइम बाद पढ़ाऊंगा। हम चलते हैं लास्ट पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन में, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। हमने देखा कि अगर ये MAA2 टाइप का है, मतलब सिमेट्रिकल लिगेंड है, तो नहीं दिखाएगा, और सिमेट्रिकल लिगेंड होते हैं EN और ऑक्सलेट। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन अनसिमेट्रिकल लिगेंड हुआ तो फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, और ये JEE एडवांस के लाइक क्वेश्चन है। तो हमने देखा PT ग्लाइसिनेटो है, ग्लाइसिनेटो में एक डोनर एटम O होता है, दूसरा डोनर एटम N होता है। तो आप देख सकते हैं इस O में और इस O में 180 का एंगल नहीं है, इसलिए सिस आइसोमर होगा, जबकि इस O में और इस O में 180 डिग्री का एंगल है, इसलिए ये ठीक है ना, क्या दिखाएगा, इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा, ठीक है ना। तो MAB2 ने क्यों दिखाया, क्योंकि इसमें अनसिमेट्रिकल, ठीक है ना, अनसिमेट्रिकल लिगेंड था। तो EN और ऑक्सलेट नहीं दिखाएंगे क्योंकि सिमेट्रिकल होते हैं, और ग्लाइसिनेटो और DMG दिखाते हैं क्योंकि अनसिमेट्रिकल। अब हम देख लेते हैं किसके कितने आइसोमर्स बनते हैं, ठीक है। तो अगर 6 के 6 लिगेंड अलग हों तो टोटल 15 आइसोमर्स बनते हैं, और जो इंपॉर्टेंट, ठीक है, MA6 और MA5 का आइसोमर बनता ही नहीं है, मतलब सिंगल होगा, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। MA4B2 का एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था कि इसके दो ही आइसोमर पॉसिबल है। MA3B3 का एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था जो फेशियल और मेरिडाइनल था, इसके भी दो आइसोमर्स पॉसिबल। अगर दो लिगेंड एक जैसे और चार लिगेंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में अलग हो तो 9 आइसोमर्स बनते हैं, और अगर A2B2CD टाइप का हो तो 6 आइसोमर बनते हैं, और अगर A2B2C2 टाइप का हो तो 5 आइसोमर्स बनते हैं। ये 5 वाला एग्जाम्पल JEE एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है ना। और MA3BCD 4 आइसोमर्स बनाएगा, MA2B2, ठीक है ना, और इसमें ये हम हटा देते हैं क्योंकि ये इसके, तो हमने आज क्या सीखा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है ना, और फिर ये हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा।